भीलवाड़ा कलेक्टर अचानक पहुंचे चिकित्सालय, कर्मचारी में मचा हड़कंप। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने किया महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण। भीलवाड़ा कलेक्टर रविवार दोपहर अचानक जिला चिकित्सालय पहुंचे। कलेक्टर के अचानक निरीक्षण में महात्मा गांधी चिकित्सालय के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट का अपनी ज्वाइनिंग के 7 दिनों में ये दूसरा जिला चिकित्सालय का दौरा था। इस मौके पर कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था पर संतोष जताया, मगर व्यवस्थाओं के सुधार पर जोर देते हुए बंद पड़ी ट्रॉमा व आईसीयू वार्ड की लिफ्ट को 15 दिवस में चालू करवाने के निर्देश दिए। इस बीच कलेक्टर ने दवा वितरण केंद्रों व आउटडोर में मरीजों की लगी कतार देखकर नाराजगी भी जाहिर की। कलेक्टर भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भीलवाड़ा चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है, मगर आउटडोर अभी भी और कार्य करवाने की गुंजाइश है। इसे लेकर चिकित्सालय प्रबंधन को पाबंद कर दिया गया है। वहीं हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर होमगार्ड की कमी को देखते हुए जल्द ही अधिकारियों की बैठक बुला इस पर कार्य करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज 7 दिन पहले जो हॉस्पिटल की विजिट हुई थी और आज जो विजिट है उसमें रात दिन का अंतर मुझे देखने को मिला है। सभी डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पूर्ण सफाई रखी है उन्होंने, और जो 7 दिन पहले यहां हॉस्पिटल की कंडीशन थी बहुत इम्प्रूव हुई है। अभी भी कई चीज़ें करनी बाकी हैं। हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में जो डॉक्टर्स के साथ बैठकर बात हुई है, स्वाइन फ्लू वार्ड हमारा बिल्कुल तैयार है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं और एक भी पेशेंट अभी यहाँ पर एडमिट नहीं है। स्थिति में बहुत परिवर्तन है, लेकिन अभी बहुत काम कराए जाने हैं। जैसे हर जगह जहाँ डस्टबिन अभी देख रहा हूँ मैं, डस्टबिन की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, तो अगर डस्टबिन की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए ताकि जो अटेंडेंट्स आएँ वो अपना चाय पीते हों, अपना कुछ खाने का लेके आए, तो वो कागज़ वगैरह कहाँ फेंकेंगे? वो अगर जगह नहीं होगी तो वो सड़क पे ही रख देंगे या रास्ते में रख देंगे। वो व्यवस्था अभी बाकी है और व्यवस्थाओं में अगर सुधार नहीं है तो मैं यही हूँ, मैं पुनः आके देखूंगा। और मैं तो लोग अगर मुझे एक फ़ोन करते हैं तो मैं उपलब्ध रहता हूँ। और दूसरी बात, जो आज अभी मैं दवाइयों का स्टॉक भी देखने जा रहा हूँ, टैमीफ्लू का जो 15,000 का स्टॉक होना चाहिए वो भी देखूंगा, और उसके साथ साथ जितनी मेडिसिन्स मैं पिछली बार बता के गया था उतना उन मेडिसिन्स का स्टॉक अवेलेबल है, उनका कब ऑर्डर दिया और कब वो स्टॉक आया वो भी मैं अगर जाप्ते का प्रश्न है तो मैं वो भी देख लेता हूँ कि आपके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था जो जाप्ता 40 का होना चाहिए उसके लिए 22 बता रहे हैं, वो उसको चेक करा लेंगे, पूर्ण जाप्ता होगा। दूसरी बात, मैं ज़्यादा कंसर्न और भी हूँ वो लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा से, कि जो यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट है वो कहाँ निस्तारण होता है, वो सारी चीज़ भी अभी मैं डॉक्टर से बैठ के डिस्कस करूँगा। कहीं वो बाहर कहीं फेंका तो नहीं जाता, कहीं जलाया तो नहीं जाता, उस पर भी देखेंगे। और इनकी क्या व्यवस्थाएँ हैं वो आज मैं पूरा दिन इस हॉस्पिटल में ही हूँ, यहाँ सारी व्यवस्था वगैरह देख के ही जाऊँगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, सबसे पहले स्वास्थ्य। कहा भी गया है कि सबसे पहला सुख क्या होता है कि निरोगी काया, तो सारी ये जो टीम डॉक्टर्स की खड़ी है सबकी निरोगी काया रखने के लिए खड़ी है।